सिंधी कॉलोनी स्थित गुरुद्वारे की स्त्री संगत के द्वारा विगत कई दशकों से विभिन्न प्रकार के समाज सेवी कार्य किए जाते रहे हैं। स्त्री संगत में सभी उम्र वर्ग की महिलाओं के द्वारा विभिन्न क्षेत्रों में सुविधाएं दी जा रही हैं। कोरोना काल से लेकर स्थिति सामान्य होने तक सिख समाज की महिलाओं के समूह ने बेमिसाल सेवाएं दी हैं, जो कि सभी समाज के लोगों के लिए एक मिसाल बन चुकी है। पूरब टाइम्स के साथ खास बातचीत में स्त्री संगत की वरिष्ठ समाज सेवी महिलाओं ने अपने अनुभव कुछ इस तरह से साझा किए। 40 सालों से स्त्री सत्संग गुरु सिंह सभा से जुड़ी हुई हूँ। 40 सालों में मैंने अपने माता पिता के बताए हुए संस्कार और सिखी जीवन के अनुसार गुरु महाराज की सेवा, उन्होंने मुझे बख्शिश की, वो सारी सेवाएं मैंने बहुत तन मन धन से करने की कोशिश करी। जो वो बख्शिश करते हैं वही सेवाएं हम कर पाते हैं, अदरवाइज तो हम घर में ही बैठे रह जाते हैं। तो इन सेवाओं के चलते जो मेरी बहन सतनाम कौर के होते हुए जो सेवाएं बख्शिश हुई, वो इनकी जो ईमानदारी और जो इनका मार्ग था वो बिल्कुल गुरुओं के बताए हुए मार्ग के अनुसार ही था, जो कि मेरे ऊपर भी मेहर गुरु महाराज की रही ऑनेस्टी के चलते। तो इनका जो सबसे अच्छा स्वभाव था वो मुझे बहुत अच्छा लगा कि ये जो भी करते हैं बहुत ईमानदारी से करते हैं, गुरु महाराज के बताए हुए मार्गों के अनुसार करते हैं। तो इनके साथ मैंने सेवाएं निभाई, गुरु महाराज ने जो कृपा की वो की। 40 साल तक मतलब इस संस्था से जुड़े हुए हैं और बहुत ही सेवाएं हो रही हैं। और मैं अपने साथियों से एक सेवा जो अभी हमारी बाकी है उसके लिए मैं इन्हें जरूर उत्साहित करना चाहूँगी कि हम जीते जी तो वाहेगुरु जी के बताए हुए मार्गों पर चलते हैं और उनकी हुई जो भी दिया बख्शिश की हुई सेवाएं हैं हम कोशिश करते हैं कि उस पर हम खरे उतरें। लेकिन एक सेवा जो कि इस समय मेडिकल को बहुत ज़्यादा ज़रूरत है देह की, जिससे कि वो अपनी स्टडीज़ कर सकें, तो इसका बहुत लैकिंग है संसार में। जो इंसान के मन में ऐसा है कि मरने के बाद मुक्ति तभी होगी जब संस्कार होगा, लेकिन ऐसा नहीं है, है ना। आप मुक्त करें संसार, उन्होंने जो ईश्वर हमें मुक्त करने वाले हैं। कोई भी हम जो ये बनाए हुए हैं उसूल कि हमारा संस्कार के बाद ही मुक्ति होगी, ऐसा नहीं है। गुरु महाराज कहते हैं जो हमें जीवन देने वाले भी वही हैं और हमें मुक्त करने वाले भी वही हैं। तो हमारा जो देह है जो मरने के बाद हमारा शरीर, तो हमें नहीं पता कि हमारे साथ क्या हो रहा है। तो अगर हम उस शरीर को दान में देंगे तो उस शरीर से अगर किसी का भला होता है तो जो डॉक्टर्स आज बनेंगे वो कल को हमारी किसी भी विपदाओं को दूर कर सकते हैं ना, जो भी हमारी बीमारी है उसको पकड़ सकते हैं हमारे थ्रू। तो मैं सभी अपने बहनों से बेनती करूंगी कि इस उपराले में भी सामने आएँ। गुरु महाराज की दी हुई देह है, जीते हुए भी हम उसी के हैं, मरने के बाद भी हम उसी के हैं। अगर हमें ये सेवा कर सकेंगे तो हमारा जीवन जरूर सार्थक होगा। जी बताएंगे विकास जी, बताएंगे किस प्रकार से अनुभव रहा आपको, काफ़ी साल से आप समाज से होने लगी। जी बहुत अच्छा लगता है यहाँ सेवा करके, हम सब साथ में ग्रुप में मिलकर सेवा करते तो बहुत ही अच्छा लगता है, आनंद आता है और सेवा करने का और ज़्यादा उत्साह बढ़ता है कि हम लोग आके सब एक साथ मिलकर सेवा करें। ऐसे भगवान ने हमारी कृपा बनाई रखी और हम सेवा करते जाएंगे ना, और भगवान की कृपा से हम लोग अभी एक और नया चालू किया है कि जो बच्चों को, आने वाली पीढ़ी को हम लोग आगे ला रहे हैं, जो हम तो सेवा करते ही हैं, हमारे बच्चे भी आगे आगे सेवा कर रहे हैं और हमारे बच्चों को हम लोग आगे आ रहे हैं, आगे ला रहे हैं उनको कि वो भी आप हमारी जैसे सेवा करें। और जो भी पढ़ाई लिखाई, जो उनका पंजाबी सिखाना, गुरमत ज्ञान सब जो उनको शिक्षा दे रहे हैं कि वो भी आगे हमारे साथ आके मिलके काम करें। और साथ में जो भी सेवा करते हैं हम लोग, जैसे कोरोना काल में भी हमने बहुत सेवा करी, भगवान माफ़ करें उनको, जो भी हमारे कर्मों में लिखी होगी सेवा वो हमने करी और भगवान जी ने हमारे ऊपर बहुत दया रखी, हम अच्छे से सेवा कर पाए। हमको खुशी होती है कि हम लोग ऐसे मतलब मौके पर हमको मौका मिला है, भगवान ने हमारे अभी अच्छे कर्म किए थे कि जो हमको ऐसा मौका जी बताएंगे किस प्रकार का अनुभव रहा है आप बुजुर्ग। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। मेरा नाम परमजीत कौर, मैं 1971 में जहाँ दुर्ग में आई थी उसी समय से ही हमारा जो स्त्री सत्संग का जथा था उसी समय से ही अपना कीर्तन कर रहा था। हर सप्ताह में हर मतलब पूरा संगत जुड़ के कीर्तन करती थी और उन्होंने ही सबसे पहले मेरे को अपना गुरुद्वारे के साहब जहाँ मतलब जुड़ा, और उसी समय के बाद फिर मैं मतलब अपना इधर जुड़ गई। उसके बाद अपना 25-30 साल तक मैंने गुरुद्वारा में अपना पंजाबी सिखाई, वो सेवा करी। बस समाज के लिए ये चाहती हूँ कि कोई भी अगर समाज के लिए कोई मुसीबत आए तो हम पूरी संगत मिलके तत्परता जा रहे हैं,
बस यही मेरी कामना है। हमारा उद्देश्य है मानव की सेवा करना। हम जत्थे में 50 से 55 लेडीज़ें हैं, सब मिलके गुरुद्वारे में सेवा करती हैं। हमारे सिख धर्म के संस्थापक हैं श्री गुरु नानक देव जी, पहले गुरु श्री गुरु नानक देव जी से लेकर 10वें गुरु श्री गुरु गोविंद सिंह साहेब जी तक सारे गुरुओं ने मानव, देश और धर्म की सेवा करी है। सेवा करते करते उन्होंने अपने प्राण तक निछावर कर दिए हैं। एक बार श्री गुरु नानक देव जी के पिता मेहता कालू जी ने 1481 ईस्वी में उन्हें 20 रुपए दिए और कहा, व्यापार करने जाओ, खरा सौदा करना। गुरु नानक देव जी अपने साथी बालाजी के साथ निकल पड़े। रास्ते में उन्हें भूखे साधु दिखाई दिए, उन्होंने उस 20 रुपयों का उन्हें भोजन करा दिया और सोचा कि इससे खरा सौदा और कोई नहीं हो सकता। वो 20 रुपये का लंगर आज तक चलता आ रहा है और हमेशा चलते रहेगा। हमारे 10वें गुरु श्री गुरु गोविंद सिंह साहेब जी जुल्म के खिलाफ एक बार जंग लड़ रहे थे, तो उनके साथ सेवादार थे भाई कन्हैया जी, जो कि बहुत ही विनम्र स्वभाव के थे। उनका काम था सैनिकों को जल पिलाने का। वो अपने सैनिकों को जल पिलाने के साथ साथ दुश्मनों के सैनिकों को भी जल पिला रहे थे। किसी ने गुरु गोविंद सिंह जी को जाके बताया कि भाई कन्हैया जी दुश्मनों को भी जल पिला रहे हैं। गुरु गोविंद सिंह जी ने कन्हैया जी से पूछा, तो कन्हैया जी ने कहा कि गुरु जी, मुझे उनमें भी तुम्हारी जोत दिखाई दे रही है। गुरु जी बहुत पसंद हुए कि हमारे बताए हुए मार्ग पर चल रही हैं। उन्होंने उन्हें मरहम पट्टी भी दी और कहा कि जाओ, जिसको इसकी ज़रूरत है ये भी सेवा आप करिए। इस तरह हमारे गुरुओं ने मानव की सेवा परोपकार की भावना रखकर की है। हमारे 9वें गुरु श्री गुरु तेग बहादुर साहेब जी कश्मीरी पंडितों की रक्षा के लिए अपना शीश तक कुर्बान कर दिया। हमारे गुरु श्री गुरु गोविंद सिंह जी ने अपना सर्वस्व दान कर दिया, कुर्बान कर दिया, अपने पिता, अपनी माता, अपने चारों बच्चे देश धर्म के लिए कुर्बान कर दिए। गुरुद्वारा गुरु सिंह सभा के प्रधान हैं सरदार अरविंदर सिंह खुराना, उनके सहयोगी हैं दिलप्रीत सिंह, जसप्रीत सिंह, मनप्रीत सिंह, परमजीत, हरविंदर सिंह, इंदरपाल सिंह, सब मिलके गुरुओं के द्वारा बताई सेवा करते हैं।